देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात सूरत बारडोली में नेशनल हाईवे 6 नंबर पर जीएसआरटीसी के ट्रैफिक सुप्रीम टंडन महेश पटेल एवं उनकी टीम किशोर पाटिल द्वारा महाराष्ट्र सरकार की बस की परमिट की जांच की गई है, जिसमें महाराष्ट्र बस का परमिट 21 से 22 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार की बस सवारियों को मुश्किल में डालकर बिना परमिट के गुजरात आवागमन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कुछ दुर्घटना होती है तो बस में सफर करने वाले मुसाफिरों को मुआवजा मिलने में दिक्कत हो सकती है। हमारा जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र सरकार एवं गुजरात सरकार से अनुरोध करता है कि आप लोग आउट ऑफ स्टेशन आवागमन करने वाली बसों का परमिट समय समय पर रिन्यू कराएं एवं सफर करने वाले मुसाफिरों को अच्छी से सेवा दें। देखिए जगत न्यूज 24 गुजरात बारडोली से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की ये खास रिपोर्ट। जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम यहाँ गुजरात के सूरत जिले के बारडोली एरिया से बोल रहे हैं। यहाँ जो महाराष्ट्र सरकार की जो बस है उसका जो यहाँ के जो सरकारी है वो जांच कर रहे थे कि इसका परमिशन है या नहीं है, पर इन लोगों को जो नज़र में पाया गया कि उसका परमिशन इन्हें 15-20 दिन पहले ख़त्म हो चुका है। ये अच्छी बात है, जांच होना चाहिए। क्यों, ये जो इन्हें जो सफ़र करते हैं यदि कुछ घटना होती है तो इन लोगों को मुआवजा मिलने में दिक्कत होगी। और मैं इन जो चेक करने या जांच करने वाले अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ही ध्यान दें और समय समय पर जांच करें। मैं ऐसे ही एक अधिकारी से जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या? पटेल। पटेल जी, आपका कौन सा पद है? ATS। ये जैसा महाराष्ट्र की ये पहली बार जांच कर रहे हैं कि पहले भी जांच कर चुके हैं गाड़ी आप? हमारे जांच कर चुके हैं, पहले भी करते रहते हैं। तो इसमें ये पहली बार मिला कि और पहले भी ऐसा हुआ है कुछ? बहुत से कागज लेके मिले हमारे, फिर भी वो बिना परमिट की गाड़ी भेजते रहते हैं, इसलिए हम वो प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन गाँव और गाड़ी चेक करते हैं। हमारा जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र शासन से भी रिक्वेस्ट करता है और गुजरात शासन से भी रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे जो भी सफ़र करते हैं उन लोगों के साथ जो इन्हें सही तरह से इन लोगों से यदि सही तरह से पैसा लिया जाता है जो भी, तो इन लोगों से सही तरह से सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाए, गाड़ी का इंश्योरेंस भी सही हो, गाड़ी का ये भी सही हो, तो ही इन लोगों को गाड़ी तो ही वहाँ से भेजी जाए डिपो से। क्योंकि इन लोगों को जो भी प्रवास करता है, जो भी गाड़ी से सफ़र करता है, ये मिडिल क्लास लोग रहते हैं, इनका पहले से ही इन लोगों का कोरोना के बाद से तो पूरा विश्व परेशान है, पर इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के जो भी अधिकारियों को भी आप समय समय पर जांच करिए और ऐसे जो भी है इनको रोका जाए। जगत न्यूज 24 गुजरात बारडोली से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत।